जोहार दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जोहार अस्टडी जोन में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का मैप के बारे में, जो अक्सर जेएसएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, इन सभी परीक्षाओं में यहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है, जो आता ही है। ये क्या, ये झारखंड का मानचित्र मैप है। ये देख लीजिए, झारखंड है। झारखंड, झार मतलब वही झाड़ी उड़ी, खंड मतलब टुकड़ा, तो झारखंड, ये झारखंड का मैप है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड मैप मिल गया। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? झारखंड बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। किसे बिहार से अलग हुआ है? और 15 नवंबर का दिन ही बिरसा जयंती हम लोग मनाते हैं, उसी का दिन उनका जन्म दिवस, उसी का दिन उनका जन्म हुआ था। तो उसी के उन्हीं का जन्म दिवस पर झारखंड का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। अब स्टार्ट कर, देखिए ये हो गया आपका, ये जो झारखंड है झारखंड मैप में, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो अब झारखंड जो राज्य है, हमारा राज्य है, वो अन्य राज्यों, अन्य कितने राज्यों से क्या करता है, वो टच करता है। तो पूर्व में वो पश्चिम बंगाल से टच करता है। किसे? पश्चिम बंगाल से। यहाँ लिख देते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूर्व से पश्चिम बंगाल में टच करता है। अब पश्चिम, और फिर पश्चिम में हो गया वो छत्तीसगढ़ टच करता है। छत्तीसगढ़, मैं लिख दे रहा हूँ छत्तीसगढ़, ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ हो गया। और उत्तर में है, टच करता है बिहार से आपका, ये हो गया बिहार, बिहार। अब हो गया ये दक्षिण में हो गया वो आपका उड़ीसा, इधर हो गया उड़ीसा, यहाँ से उड़ीसा, उड़ीसा से वो टच करता है। अभी एक दो तीन चार, और एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जो ये गढ़वा है, वो उत्तर प्रदेश केवल जो राज्य है, केवल एक ही झारखंड का जो एक ही जिला है गढ़वा, उससे को टच करता है, जो यहाँ पर ही जाता है इसे करके, तो इसको टच करता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये टच करता है। अब हम लोग को पता चल गया कि झारखंड राज्य है वो 5 राज्यों से टच करता है। किसे किसे? पूर्व में पश्चिम बंगाल से, फिर पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, फिर उत्तर हो गया आपका बिहार से, और दक्षिण में उड़ीसा से, और इधर उत्तर के ही दिशा में जो उत्तर प्रदेश जो गढ़वा से करता है टच करता है। अब हम लोग इतने यहाँ पर जान गए। अब हम लोग को ये जानना है कि कौन सा, मतलब कौन सा राज्य है झारखंड कितने जिलों से टच करता है। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है वो झारखंड कितने जिलों से टच करता है। अब सबसे बड़ी बात, ये झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? झारखंड में वर्तमान में टोटल 24 जिले हैं। अब कौन कौन है देखिए, हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं, आप लोगों को देखते जाना। ये आपका हो गया गढ़वा, ये हो गया गढ़वा, गढ़वा के बाद आता है पलामू, ये आपका हो गया पलामू। इसी प्रकार से आप लोगों को लिख के प्रैक्टिस करना है। पलामू, पलामू के बाद आपका आता है चतरा, ये आपका हो गया चतरा, चतरा के बाद आप आगे बढ़िएगा तो ये आता है हजारीबाग, ये आता है आपका हजारीबाग, ये आपका हजारीबाग, हजारीबाग का जस्ट ऊपर जाएगा तो यह आता है कोडरमा, क्या आता है कोडरमा, जो कि अबरक वहां पर ज्यादा पाया जाता है कोडरमा। कोडरमा का जस्ट आगे आए तो ग्रिडी, यहाँ का भी सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी, ग्रिडी। अब ग्रिडी को जस्ट आगे ये देवघर है, ये आपका है देवघर, जो है छोटा सा दिख रहा है, इसको हम इधर लाइन खींच के लिख दे रहे हैं, खींच के, सूरी नहीं हट रहे हैं, बस लाइन खींच के लिख दे रहे हैं देवघर। ये जो आपका ये देवघर है, देवघर, ये है देवघर। अब देवघर का जस्ट बोल देती है आपका दुमका, ये क्या है दुमका, ये आपका दुमका, दुमका, दुमका जस्ट बोल जाएगा तो ये आपका पड़ेगा गोड्डा, ये क्या है गोड्डा, गोड्डा, गोड्डा का जस्ट बगल जाएगा तो यहाँ पर साहेबगंज, साहेबगंज क्या है साहेबगंज, साहेबगंज आपका साहेबगंज। अब साहेबगंज जाइएगा तो ये आपका था पाकुड़, क्या है ये पाकुड़, मैं लिख दे रहा हूँ पाकुड़, पाकुड़। अब ये आपका पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, उसके बाद ये आपका जामताड़ा, जहाँ साइबर क्राइम सबसे ज्यादा माना जाता है, जो पूरा इंडिया में फेमस है, क्या जामताड़ा, जाम ता
ये जामताड़ा, उसके बाद जामताड़ा का जस्ट नीचे आएगा तो आपका धनबाद, 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 ये आपका धनबाद, धनबाद से जस्ट नीचे आएगा तो आपका बोकारो, क्या है बोकारो, बोकारो, और बोकारो जस्ट नीचे आएगा ये रामगढ़, ये है आपका रामगढ़, रामगढ़, ये आपका है रामगढ़, आपसे नहीं दिख रहा है, ये हो गया रामगढ़, ये हो गया आपका रामगढ़, अब रामगढ़ जस्ट नीचे आएगा ये हो गया आपका रांची, ये आपका हो गया रांची, ये है रांची, रांची झारखंड का राजधानी है, ये आपका रांची झारखंड राजधानी है, और झारखंड का उप राजधानी ये दुमका, ये जो है आपका दुमका ये झारखंड का उप राजधानी है और ये राजधानी है, उसके बाद देखिए उसके बाद रांची हो गया, रांची जस्ट नीचे आएगा तो ये आपका जो सिंहभूम था जो 1990 में अलग होकर पूर्वी सिंहभूम 25 सिंहभूम बना, ये आपका हो गया पूर्व, ये पूरब की दिशा है इसलिए पूर्वी सिंहभूम, ये पूरब की दिशा है, ये पूर्वी सिंहभूम, केवल हम सी लिख दे रहे हैं सिंहभूम, ये पश्चिम की दिशा में है इसलिए पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, अब 2001 में पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से मिलके सरायकेला खरसावा बना, इसलिए केवल मैं यहाँ खरसावा लिख दे रहा हूँ, खरसावा, उसके बाद ये बचता है ये आपका हो गया सिमडेगा, सिमडेगा, सिमडेगा जस्ट ऊपर आएगा तो खुट्टी हो गया, ये खुट्टी है, खुट्टी और लोहरदगा झारखंड का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो किसी अन्य अन्य राज्य के साथ वो कभी टच नहीं होता है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछता था, ये खुट्टी हो गया, खुट्टी, और ये आपका हो गया लोहरदगा, 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 ये आपका हो गया लातेहार, 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 लातेहार के जस्ट ये आपको बच गया गुमला, आपका गुमला, इस प्रकार से हम लोग को पता चला कि झारखंड जो 24 डिस्ट्रिक्ट है सबका मैं नाम बता दिया, इसके बाद अब ये जानना है कि कौन सा राज्य जो है झारखंड की कितने जिलों से टच करता है, जैसे पश्चिम बंगाल, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल झारखंड कितने जिलों से टच करता है तो आपको गिनना है, ये पूर्वी सिंहभूम एक हो गया, रांची का बॉर्डर टच कर रहा है दो हो गया, ये रामगढ़ टच कर रहा है तीन हो गया, बोकारो चार हो गया, धनबाद पांच हो गया, जामताड़ा छह हो गया, दुमका सात हो गया, पाकुड़ आठ हो गया, एक नौ हो गया, और एक आपका कहीं छूट रहा है खरसाया खरसावा, इसका मिला आपका दस हो गया, यानी कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो झारखंड के 10 जिलों से टच कर रहा है, कितने जिलों से 10 जिलों से, आपको याद रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, पूर्वी सिंहभूम, खरसावा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, ये 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से टच कर रहा है, उसी प्रकार अब पश्चिम में आ जाइए, ये आपको पश्चिम हो गया झारखंड का जो है तो पश्चिम दिशा हो गया, उसमें देखिए आप जो छत्तीसगढ़ है वो झारखंड के कितने जगह टच कर रहा था, आपको मैप में देखना है, एक दो तीन चार, यानी गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ है वो झारखंड के चार जिलों से टच कर रहा है, कितने जिलों से चार जिलों से, यहाँ लिख दिया चार, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो केवल गढ़वा को झारखंड का एक ही जिला टच करता है, जो आपका ये हो गया गढ़वा, मतलब बिहार, जो बिहार है जो उत्तर की दिशा में है तो वो भी झारखंड का कितने जिलों टच करता था, वो गिनना, साहिबगंज एक हो गया, गोड्डा दो हो गया, दुमका तीन हो गया, देवघर चार हो गया, गिरिडीह पाँच हो गया, कोडरमा छः हो गया, हजारीबाग सात हो गया, आठ नौ दस, यानी बिहार भी झारखंड के 10 जिलों से टच करता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10। अब आते हैं दक्षिण की ओर उड़ीसा, उड़ीसा जो है वो झारखंड के कितने जिलों से टच करता है, तो आपको गिनना, एक सिमडेगा एक, पश्चिमी सिंहभूम दो, खरसावा तीन और पूर्वी सिंहभूम चार, यानी कि जो उड़ीसा है वो चार जिलों से टच करता है, इस प्रकार से हम लोग को पता चल गया कि झारखंड का जो झारखंड जो पांच राज्य, मतलब जो झारखंड हमारा राज्य है वो पांच राज्यों से टच करता है, और इसे हम इस मैप से ही पता चला कि जो पांच झारखंड जितने ही पांच राज्य जो झारखंड टच हो रहे हैं
वो कितने कितने जिलों से टच हो रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल 10 हो गया, बिहार 10 हो गया, उत्तर प्रदेश 1 हो गया, उसे छत्तीसगढ़ 4 हो गया और उड़ीसा 4 हो गया। अब हम लोग को जानना है कि जब झारखंड अलग हुआ था उस टाइम हमारे झारखंड में कितने प्रमंडल थे। जब हमारा झारखंड अलग हुआ था उस टाइम हमारे झारखंड में 18 जिले और 4 प्रमंडल थे। कौन कौन थे 4 प्रमंडल? हमें 4 प्रमंडल हम लोग को जानना है, जिसमें देखिए जानना क्या 4 प्रमंडल कौन कौन थे। 4 प्रमंडल एक था संथाल परगना, संथाल परगना में 6 जिले थे। संथाल परगना कौन कौन? आपका ये देवघर से लेकर जामताड़ा से लेकर पूरा ये जो था आपका यहाँ से लेकर ये पूरा आपका था संथाल परगना। किसमें आता है? संथाल परगना में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये संथाल परगना में आता है। ये जो मैं लिख दिया है संथाल परगना, इसमें 6 जिले आते हैं। कौन? जामताड़ा है, देवघर है, दुमका है, पाकुड़ है और गोड्डा है और साहिबगंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 5 जिले हैं जो किसमें आते हैं? संथाल परगना में आता है। संथाल परगना जो मुख्यालय वो दुमका है। ये दुमका जो है, मैं कवर कर दूं, ये दुमका जो है ये इसका मुख्यालय है। जो जो संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? दुमका। दुमका झारखंड का उप राजधानी भी है। उसी प्रकार हम लोग अब जानना है कि नेक्स्ट परमंडल उसे प्रक्रिया होगी आपका संथाल परगना। अब हम तो कोल्हान परमंडल में तो कोल्हान परमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन है? पश्चिमी सिंहभूम, खरसावां, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ये क्या है? ये आप यहाँ से लेके चलिएगा 3 डिस्ट्रिक्ट जो ये है आपका, ये जो आता है आपका कोल्हान परमंडल में आता है। किसमें आता है? कोल्हान। मैं सिंपल लिख रहा हूँ कोल्हान। समझ जाएगा कोल्हान परमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और खरसावां। अब 2 हो गया। तीसरा क्या है? जब हमारा झारखंड अलग हुआ था उस टाइम कुल 5 परमंडल थे, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन हो गया? पलामू परमंडल, जो आपका है पलामू। 3 जो डिस्ट्रिक्ट है लातेहार से लेकर ये जितना है ना, ये लातेहार, गढ़वा और पलामू, ये आपका जो है ये आपका हो गया पलामू परमंडल। कौन? पलामू परमंडल। उसी प्रकार 1, 2, 3 उसके बाद आपका हो गया ये एक होता है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर। तो आपका यहाँ से चतरा से लेके रांची से लेके पूरा आपका जितना रामगढ़ उस टाइम में था, रामगढ़ 2007 में बना है, तो लेकर से जितना भी है आपका चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह से लेकर यहाँ से आते हुए जामताड़ा छोड़ के धनबाद लेते हुए बोकारो, ये क्या था? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, जिसमें कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसमें कितने? 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। अब जस्ट उसके उत्तर दिशा में से उत्तरी छोटा नागपुर, अब ये दक्षिण दिशा में है इसलिए इसको दक्षिण छोटा नागपुर। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में देखिए कितने जिले हैं? सिमडेगा, गुमला, लातेहार, रांची, खुट्टी, ये आपका हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर। ये जितना ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर का है, जिसमें कितने जिले हैं? 5 जिले। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 जिले जो दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में है। हाँ, जब हमारा राज्य अलग हुआ था जो 2000 में, उसमें जब जो 4 परमंडल थे ना, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में ये जो है ना आपका ये कोल्हान परमंडल, इसको दक्षिणी छोटा नागपुर में ही रखा गया था जब हमारा राज्य अलग हुआ था पूरा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया। और हम लोग इतने परमंडल के बारे में जान गए, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान गए, कितना राज्य टच करता है हमारे राज्य के साथ वो जान गए, कितना जिला किसे टच कर रहा है उसके बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे तो ये आपका ऐसे कि ये संथाल परगना था, उसका मुख्यालय दुमका था। तो ये आपका जो कोल्हान परमंडल है, इसका मुख्यालय कहाँ? चायबासा है, इसका चायबासा है। और जो ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर का जो परमंडल है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची है। जो रांची है ये राजधानी भी, और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो परमंडल है ना, उसके मुख्यालय भी है। कौन? रांची। उसी पर उत्तरी छोटा नागपुर है ना, वो जो देख रहे हैं 1, 4 हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये क्या है? ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर का है, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग है। ये जो हजारीबाग है इसका यहाँ मुख्यालय है। उसी प्रकार जाइएगा पलामू परमंडल में, तो इसका मुख्यालय पलामू है। अब हम लोग को इतना जानने के बाद अब हम लोग क्या जानना है? जब हमारा राज्य अलग हुआ था उस समय हमारे राज्य मतलब राज्य में 18 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर बाद वही एक साल के उपरांत, एक साल के बाद हमारा जो राज्य था
18 डिस्ट्रिक्ट से 4 डिस्ट्रिक्ट और एक्स्ट्रा बना, कब 2001 में, तो टोटल हो गया 22। तो उस समय कौन कौन बना था, आपका है गढ़वा हो गया, गढ़वा वाला आपका था पलामू, ये पलामू है तो पलामू से टूटकर, ये पलामू से टूटकर ये लातेहार बना था, ये पलामू है ना, तो पलामू से अलग होकर ये पलामू है आपका, हम लिख दे रहे हैं पलामू इसको यहाँ पर, ये पलामू है तो पलामू से टूटकर ये लातेहार बना था, लातेहार, लातेहार एक हो गया, एक ही डिस्ट्रिक्ट बना था। और उसके बाद वहाँ से ये जो पूर्वी सुखिया है पश्चिमी सिंहभूम, ये पश्चिमी सिंहभूम है हाँ, और ये आपका पूर्वी सिंहभूम क्या है, पूर्वी सिंहभूम। अब ये पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से ही दोनों से मिलकर क्या बना था, वो सरायकेला खरसावां, इसको देखते हैं खरसावां, खरसावां, ये दोनों से मिलकर सरायकेला खरसावां बना था। दो हो गया, अब ये आपका जमताड़ा, ये क्या है आपका जमताड़ा, उस टाइम बना था जमताड़ा आपका, जमताड़ा जो कि सावरकर में फेमस है, वो सब पता है।